सौ का म्यूजियम टेस्ट थी, ओहदे च तुसीं बहुत ही माड़ी परफॉर्मेंस दित्ती है। आप दे पेपर पढ़ो। नंबर एक, ना कुड़ी तू पढ़ती है ना तू जमी नहीं पढ़ती, दस तो सिर्फ एक नंबर लेके आई है, देख लो। चल पढ़िया कर। नंबर दो, बुशरा तू तो हूँ तेन के दस तो जीरो नंबर, इन्ने घट नंबर। लंबो आ गई, लंबो गलती हो गई सर, मैंने माफ कर दो। लंबो आ गई, मैं पूरा चीज़ लंबो आ गया। बहुत पता है ठीक है, मैंने पता है। संग दी से कौन दी लंबो नंबर 4 पूछे हुन गुरप्रीत दा, हो देख लो कुड़ी सब तो बड़े पढ़ती है, 10 बड़ा 10 नंबर लेके गई है, देख लो। लो भी हुन एक गल सुनो मेरी ध्यान नाल, मैनू पता है ना तुसी आपदे पेपर छोड़े टीचर जाके घर अपने माँ को दिखाने हो ना, उन्होंने पता लगता बेचारे साढ़े बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं। कल जिस बच्चे ने आपके पेपर से सहन ना करवाए हो आपके पेरेंट्स, उस बच्चे को क्लास में नहीं एंट्री दी जाऊगी। चलो ओ बदल गाज रहे मेरे बहू, हाय पहले तो मैं ना पढ़ती सी, हूँ मैनू की हो गया, मैनू 10 तो 0 नंबर आया। हाय मेरी भैन तो मैं तो इन्ने गुस्से हो गए, हूँ मेरा भाई भी कहूगा मम्मी रोटी ना बनाई अज, अज तो बुशरा आंडा लेके आऊगी। हाय हूँ मैं ऐ कर दी हाँ, और जड़ी 0 है ना ये पूरे 1 लगा देनी हाँ, फिर 10 बटे 10 बन देंगे। आयो ए बुशरा। हाँ जी दीदी। ਬੁਸ਼ਰਾ ਕੱਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 10 ਚੋਂ 10 ਵਧਾਇਆ। ਭਲੇ ਲੈ ਪਾਟ ਪੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ। ਚੱਕ ਮਾਰੋ ਦੇਖੀ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ मम्मा सच ही कहते हैं झूठ बोलना पाप है। बुशरा मेरे लियाज का फोन आया सी, ओ ते पापा तेरे लिए पिज्जा लेके आ रहे ने। हाय हुन मैं पिज्जा किमें खाऊंगी, मैं तो चॉकलेट ही नहीं खादी गई, हुन मैं ऐ कर दी हां दीदी नु सच ही दस दनी हां। बुशरा ये तू की कह रही है? दीदी सॉरी मैं तो झूठ बोलया गया, मैनु तो 10 तो 0 नंबर आया सी, दीदी मैनु माफ कर दो। ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਮੰਮੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਝੂਠ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ